ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। तो सब तो खूबसूरत शहर बहुत चिर पहला बन जाना चाहिए सी। सो असी इनू एक खूबसूरत शहर बनावांगे कि जिहड़ा अमृतसर एक बार आवे वो एक बार ये प्रभाव जरूर लेके जाए कि हाँ कितने गए सी गुरु की नगरी च गए सी। ते बाकी कल जिहड़े ने अफवाह फैलाइयां सी कि शायद G20 इत्थे होना ही नहीं या होनी, ये उन्हां दी बखलाहट है जां उन्हां दी ये कल कह लो कि जल्दबाजी है कि वह भगवंत मान नू बदनाम करन ली जा गौरमेंट नू बदनाम करन ली इत्थे कि पंजाब नू बदनाम करन ली कोई मौका नहीं छड़दे, भावें वह खबर गलत ही होवे पर कहिंदे एक बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो तो अपने तो पहला ना कोई गाला कढ जे भगवंत मान नू। सो मैं उन्हां नू ये कहना चाहुंदा पंजाब जिहड़ा है वह इंटरनेशनल समिट कराउण दे काबिल है, बड़े बड़े फंक्शन पंजाब जिहड़ा होस्ट कर चुके है। सो इस करके G20 सम्मेलन ऐसा होगा, देश पूरे देश दे विच 200 G20 सम्मेलन हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो जदों रेटिंग होवे ता पंजाब दा नंबर पहला आवे इस मामले च कि असीं वैसे भी मेज़बानी लई मन्ने होए आ। पंजाब बजट बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर पहुंचे जिथे उन्हां शहर विच होण जा रहे G20 सम्मेलन की तैयारियां नूं लैके अधिकारियों नाल मुलाकात की। दसणयोग है कि G20 सम्मेलन ते बीते दिनी अफवाहां दा बाजार गर्म रहा। कहा गया है कि पंजाब विच कानून व्यवस्था नूं देखदिआं अमृतसर विच होण वाले सम्मेलन नूं रद्द कर दिता गया है। इस ते मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद स्पष्ट किया है कि हाले पंजाब सरकार कोल इस मामले विच कोई अधिकारिक सूचना नहीं है। पंजाबियों नूं अजिहियां अफवाहां तों बचण दी लोड़ है अते विरोधियों वल्लों आम आदमी पार्टी नूं बदनाम करन दी कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। तो सब तो खूबसूरत शहर बहुत चिर पहला बन जाना चाहिए सी। सो असी इनू एक खूबसूरत शहर बनावांगे कि जिहड़ा अमृतसर एक बार आवे वो एक बार ये प्रभाव जरूर लैके जाए कि हाँ कितने गए सी गुरु की नगरी च गए सी। ते बाकी कल जिहड़े ने अफवाह फैलाइयां सी कि शायद G20 इत्थे होना ही नहीं या होनी, ये उन्हां दी बखलाहट है जां उन्हां दी ये कल कह लो कि जल्दबाजी है कि वह भगवंत मान नू बदनाम करन ली जां गौरमेंट नू बदनाम करन ली इत्थे कि पंजाब नू बदनाम करन ली कोई मौका नहीं छड्दे, भावें वह खबर गलत ही होवे पर कहिंदे इक वारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो तो अपने तो पहला ना कोई गाला कढ जे भगवंत मान नू। सो मैं उन्हां नू ये कहना चाहुंदा पंजाब जिहड़ा है वह इंटरनेशनल समिट कराउण दे काबिल है, बड़े बड़े फंक्शन पंजाब जिहड़ा होस्ट कर चुके है। सो इस करके G20 सम्मेलन ऐसा होगा, देश पूरे देश दे विच 200 G20 सम्मेलन हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो जदों रेटिंग होवे ता पंजाब दा नंबर पहला आवे इस मामले च कि असीं वैसे भी मेज़बानी लई मन्ने होए आ।